एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज है पुरी में हम लोग का दूसरा दिन और आज पता है हम लोग जगन्नाथ टेम्पल घूमने जाएंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, मतलब मैं आज पता है 4 बजे उठी और नहा धो के तैयार भी हो गई। सबसे पहले मैं तैयार हुई हूँ। ये तो काफी लोग को पता ही होगा, जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धर्म है और इस मंदिर का निर्माण 4 सेंचुरी में किया गया था। इस मंदिर में कुल 9 रहस्यमयी बातें हैं जिसका जवाब अब तक किसी ने नहीं निकाल पाया है। आप ये ध्वज देख सकते हैं, हमेशा हवा के दूसरे डायरेक्शन में लहराते रहता है और ये चक्र जिस डायरेक्शन से देखा जाए ना हमेशा उसी डायरेक्शन से दिखता है। जैसे हम यहाँ से खड़े हैं ये मेरे डायरेक्शन से दिख रहा है और इस मंदिर का कोई भी परछाई नहीं बनता है। मंदिर के बाहर समुद्र की आवाज़ आती है और अंदर जाते ही समुद्र की आवाज़ चली जाती है। सब भगवान जी का देन है। बोले जय जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ना ही कोई चिड़िया बैठ सकती है, ना ही कोई फ्लाई उड़ सकता है, कुछ भी उड़ नहीं सकता इस मंदिर के ऊपर। इस मंदिर के जो टॉप पे फ्लैग लगा हुआ है ना वो पर डे शाम में चेंज होता है। अगर एक दिन भी गलती से चेंज होना मिस हो गया तो 18 साल तक मंदिर बंद हो सकता है। और पता है यहाँ पे ना प्रसाद बनाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और नीचे आग जलता है, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। पर ऐसे देखा जाए तो नीचे वाला पहले पकना चाहिए और सबसे नीचे वाला सबसे आखिरी में पकता है। क्या ही ये जगन्नाथ मंदिर जी है, कुछ भी हो सकता है, ये तो एक जादू ही है। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर नष्ट हो गया था, परंतु उनका दिल अभी भी बचा हुआ था और उनका दिल इसी मंदिर में यहाँ रखा हुआ है जो अभी भी धड़कता है, कुछ ऊर्जा उसमें से निकलती है। और यहाँ पर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है, बदलते हुए इसे कोई देख नहीं सकता। अगर कोई गलती से भी देख लिया ऐसा माना जाता है कि वो नष्ट हो जाएगा। इस मंदिर में 3 प्रमुख मूर्तियाँ हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्रा। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ सनातनीय हिंदू ही आ सकते हैं। Thank you.